नमस्कार। भारत के बाद अब यूएस ने दिया चीन को झटका। हुवाई को सुरक्षा के लिए बताया खतरा। चीन को दुनिया भर में लगातार बड़े बड़े झटके लगते जा रहे हैं। भारत में 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ बैन कर दिया गया। इसके बाद अब अमेरिका ने भी बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका सरकार ने चीन की दो कंपनियों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, जिसमें हुवाई टेक्नोलॉजी और ZE Corp शामिल है। अब अमेरिका में इन दोनों कंपनियों पर कारोबार करने से बैन लग गया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को 5-0 की वोटिंग के आधार पर इन कंपनियों को खतरनाक बताया। अमेरिकी सरकार ने इन कंपनियों से करार भी किया हुआ था। इसमें $8.3 बिलियन का सामान खरीदना था, लेकिन अब इस पर भी रोक लग गई है। बता दें कि भारत में भी हुवाई पर संकट बरकरार है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुवाई बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई, जिसमें 5G नेटवर्क आवंटन में हुवाई दावेदार है, लेकिन अब इस पर रोक लग सकती है। अमेरिका के FCC चेयरमैन अजीत पाई ने मंगलवार को अपने एक बयान में कहा कि हम चीनी कंपनी को हमारे नेटवर्क साझा नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक इस फैसले पर दोनों कंपनियों का कोई बयान सामने नहीं आया। आपको बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मई के में आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार जो भी कंपनी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनके साथ किसी तरह की टेली कम्युनिकेशन का कारोबार नहीं किया जाएगा। अमेरिका प्रशासन का पहले से ही हुवाई के साथ विवाद चल रहा था और इससे ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। अमेरिका की ओर से अन्य देशों से भी कहा जा रहा है कि हुवाई के साथ काम ना करें, क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा है। बता दें कि इससे पहले भारत ने भी सोमवार को 59 चीनी कंपनियों पर बैन लगाया दिया है। इनको सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। तो बस यही थी एक खबर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए।